हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ जिनका ब्रेकअप हो चुका है और वो मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे कि वही पर्सन लौट के आपकी लाइफ में आएगा या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो उस चीज़ का अगर आप सवाल जानना चाहते हो, उस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानना चाहते हो, तो आज की रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने 3 फाइल रखी है। आप ये क्रिस्टल चूज कर सकते हैं, टाइगर आई, लैपिस लजूली अगर आपको पसंद है, ब्लू कलर में है ये क्रिस्टल, आप इसको भी चूज कर सकते हैं, या फिर ये एमिथिस्ट, आप इसको चूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए कौन सा क्रिस्टल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। देखते हैं कि आपके ब्रेकअप जिससे भी हुआ है, क्या वही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। चलिए देखते हैं, क्या न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या फिर वही पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे। मुझे टॉपिक अच्छा लगा, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने आज का टॉपिक उन्हीं से ही लिया है, उन्हीं से ही गाइड की गई हूँ मैं कि इस पे वीडियो बनाऊँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपके लिए, आप प्रे कर सकते हैं ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। आपकी लाइफ में कौन आएगा? देखिए, कोई तो परेशान है इस ब्रेकअप की वजह से, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी। डेफिनेटली कोई तो आपकी लाइफ में आएगा, ये वही आएगा जो आपके बिना उदास है। और बहुत जल्दी आने वाला है ये पर्सन आपकी लाइफ में, मैक्सिमम 6 मंथ। ये वही पर्सन है जो आपके लिए उदास है, इसको रियलाइज हो रहा है अपनी गलतियों का। अब ये देखती हूँ, और ये वो पर्सन है जो आपको अपने दिल की बात खुल के नहीं बताता है। ऐसा कौन पर्सन है जो आपके आसपास है? आप उसने उसको प्यार तो बहुत है आपसे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा आपसे, ये प्रॉब्लम है। आज भी आपको मिस करता है वो पर्सन, उदास है इस ब्रेकअप से, परेशान है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप है, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपसे, अपने दिल की बात खुल के नहीं बता रहे हैं। ये आपके एक्स हैं या सेपरेशन में है, आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं वेट करूं या आगे बढूं। ठीक है, क्या ये वही पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई नया आएगा? देखिए, आप ये वही पर्सन हैं जिन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, ये दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे पाइल 1 वालों के लिए। ये वही पर्सन है जो आपके बिना सैड है, परेशान है, अकेला है, उसको एहसास हुआ है कि वो आपसे प्यार करता है, पर इसको अपनी दिल की बात कहना नहीं आता। प्रॉब्लम ये है, शायद आप चाहते हैं कि ये खुल के बताए तो सही, ये चाहता क्या है? और इस पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है हमेशा से ही, और इनका नेचर ऐसा ही होगा, ये अपने दिल में प्यार तो बहुत है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रिकनसाइल भी करेंगे। ये जो आपको छोड़ के गए हैं, ये वही पर्सन है, ये आपसे रिकनसाइल करेंगे, क्योंकि आज भी आप ही इनके लिए सब कुछ हैं, ये आपको भूल नहीं पाए हैं। ये ऑफर लेके आएंगे आपसे कमिटमेंट का,
जब भी आएंगे इस बार कमिटमेंट देंगे आपको। न्यू लव नहीं है ये, आपकी लाइफ में यही आएंगे जो आपको छोड़ के गए हैं। होप गाइज आपको अच्छा लगी हो मेरी ये रीडिंग। आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिए अगर ये रेजोनेट होती है, क्या ऐसे फीचर्स हैं उनके, करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके जो एक्स हैं। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए अब मैं रीडिंग करती हूँ पाइल 2, जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया था। चलिए देख लेते हैं आपकी क्या रीडिंग निकलती है पाइल 2 वालों के लिए। क्या आपकी लाइफ में आपका एक्स वापस आएगा या फिर न्यू लव, चलिए देखते हैं। काफी परेशानियां हुई हैं आपके इस रिलेशनशिप में जो टूटा है, साइकिल एंड हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है आपकी लाइफ में। ब्रेकअप तो है, सेपरेशन है यहाँ पे, जिस वजह से आप परेशान हो, ये या फिर ये वो है जो जिसने आपसे ब्रेकअप किया। दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है जो परेशान है बहुत। कोई तो गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, प्यार का कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। चलिए देख लेते हैं। ओ हार्ट ब्रेक वेटिंग, आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये वही इंसान का इंतजार कर रहे हैं जिसने आपका दिल तोड़ा है। आप चाहते हैं वही आपकी लाइफ में वापस आए, आप किसी और नए इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि उसको रियलाइज हो अपनी गलती का और आपको वही इंसान चाहिए, ये बात तो पक्की है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑफर का। देखते हैं आगे। और ओ ट्विन फ्लेम, आप शायद अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रही हैं कि वही आए आपकी लाइफ में दोबारा से वापस। आप किसी नए पर्सन को लाइफ में नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली नहीं चाहते हैं, और ऊपर से झगड़े भी आपके बहुत ज़्यादा होते हैं उनके साथ भी। आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, काफ़ी कुछ परेशानियाँ आपने ऑलरेडी इस कनेक्शन में सही है, डेफिनेटली ऑन ऑफ वाला कनेक्शन है आप दोनों का। यहाँ पे है द चैरियट, तो ये मुझे दिखा रहा है कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये दोनों कार्ड। अब मुझे ये बताना है कि ये वही पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर कोई नया, इस चीज़ का आंसर देख लेते हैं। ये वही पर्सन है आपकी लाइफ में आने वाले हैं या फिर कोई नया न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, देख लेते हैं ज़्यादा चांसेस किसके हैं। ठीक है काफी मुश्किल है मुझे जवाब देना इस बात का। एक आना तो आएगा लेकिन इस वक्त वो तैयार नहीं हो रहा है। मुझे और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। क्या ये वही पर्सन है या फिर ये कोई नया पर्सन है? आप समझ गए क्या होने वाला है। आपकी लाइफ में वो पर्सन दोबारा से आएगा जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया है, डेफिनेटली ये पर्सन वही है जिस जो आपको छोड़ के गया था, या आपका ट्विन फ्लेम भी है, वही आपको दोबारा प्रपोज करेंगे। क्योंकि आज भी वो देखिए दिल से तो जुड़े हुए हैं, तभी तो हार्ट ब्रेक है।
ये हार्ट ब्रेक कुछ लोगों की वजह से हुआ है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू थे जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है। काफ़ी लोग थे इन्वॉल्व, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी है, ये भी है कि ऑलरेडी वो मैरिड है। पर वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे। वेरी गुड, ये थी रीडिंग आप पाइल टू वालों के लिए। अगर आपको रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप परेशान मत होइए, आप कोई और पाइल से कोई और चैनल और वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल थ्री वालों के लिए जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज किया था। देख लेते हैं आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं एक्स, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएगा या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। देख लेते हैं, इनकम्प्लीट डेफिनेटली आपका रिलेशन ब्रेकअप हुआ तो इनकम्प्लीट तो था ही, पर प्यार भी था, आज भी है। रिकन्साइलेशन होने वाला है आप लोगों का, आप दोबारा से उसी पार्टनर से मिलेंगे जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप काफ़ी बदल गई हैं पहले से बेहतर। यहाँ पे मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, मेल भी हो सकती है, मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी हो। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये दिखा रहा है कार्ड कि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने सेल्फ इनर वर्क काफ़ी किया है अपने ऊपर, और आपके ये जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपकी लाइफ में दोबारा रिकनसाइल करेंगे। मुझे लगता है ये ज़्यादातर कलेक्टिव एनर्जी ट्विन फ्लेम की होगी पाइल थ्री वालों के लिए, क्योंकि वो पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है दिन रात। अभी उसको आपकी बहुत याद आ रही है, आपका चेहरा उनको भूलता नहीं है, जैसे ही आंखें बंद करते हैं उनको आप दिखाई देते हो। और वो पर्सन लॉयल है, आप भी लॉयल हैं एक दूसरे के लिए। किसी भी तरह से अगर आप डाउट में हैं, कंफ्यूज हैं, अगर आप उनको डाउट कर रहे हैं तो ऐसा मत करो, आप दोनों लॉयल हो एक दूसरे के लिए, आपके पर्सन भी लॉयल हैं। आपसे ब्रेकअप हुआ है डेफिनेटली, इनकम्प्लीट रह गई ही है आपका ये रिलेशन, क्योंकि रीज़न था उनके पास चॉइसेस थी आपके अलावा भी, जिसकी वजह से इनकम्प्लीशन इस रिलेशनशिप में था। आपका रिकनसाइल होगा इनके साथ, ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के गए थे, और आपको ये सॉलिड कमिटमेंट भी देंगे, आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको उस तरह से ही देखते हैं। लेकिन शायद कोई एक है रीज़न बीच में अभी भी, जिस वजह से वो थोड़े से परेशान हैं, या फिर अभी भी वो उनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, अभी भी उनकी लाइफ में वो अभी भी हैं, तो अभी भी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वो अभी तक आए नहीं हैं। टाइम लगेगा 6 मंथ तक का ऑफ़र करने में, आपको एक सॉलिड ऑफ़र देने के लिए। ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत कर रहे हैं, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। ये वही पर्सन है जो आपसे ब्रेकअप किया है या फिर सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ठीक है। आपको अगर मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर ये रेजोनेट होती है।
सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।